नमस्कार। नवरात्रि के व्रत में कुछ मीठा खाने का मन करता है। हम बना रहे हैं एप्पल की बर्फी। बहुत ही अलग टेस्ट में बर्फी बनेगी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर। इसमें आपको बिल्कुल कोई चाशनी नहीं बनानी, बहुत ही आसान है इसका बनाना। नवरात्रि के शुरू में ही आप इस बर्फी को बना लेंगे और फ्रिज में रख लेंगे और जब बन चाहे तब निकाल कर खा सकेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने ये 3 मीडियम साइज के एप्पल लिए हैं, इनको हम छीलेंगे। एप्पल को हमने पहले ही अच्छे तरीके से धोकर सुखा कर ले लिया है। ये एप्पल हमने छील लिया, तीनों एप्पल हम इसी तरीके से छील लेते हैं। अब एप्पल को हमें ग्रेट करना है, तो इसमें ये थोड़ा सा बारीक वाला है और ये थोड़ा सा मोटा वाला, तो हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे और इस तरीके से इसे घुमाते जाएंगे, बीच का बीज वाला हिस्सा छोड़ देंगे। ये देखिए, बस इसे हटा देंगे। एप्पल को आप उसी समय ग्रेट करें जब आप बर्फी बना रहे हैं। अगर आप इसे पहले से ग्रेट कर देंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। एप्पल को ग्रेट कर लिया, अब एप्पल पल्प को भूनना है। उसके लिए हमने एक पैन ले लिया, इसे हम गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। इसे हमने पूरा ऊपर तक भर लिया है, या 3 छोटे चम्मच घी डाल दीजिए। घी को मेल्ट कर लेते हैं, तो ये पल्प हम घी में डाल देंगे और इसे आप लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये थोड़ा सा मैश हो जाए। इसे हमने 5 मिनट भून लिया है, अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है एप्पल की। अब इसमें डालेंगे शुगर। ये 1.5 कप से 2 टेबल स्पून कम शुगर है। शुगर आप अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब शुगर के घुलने तक इसे कुक करेंगे, फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। उधर एप्पल शुगर के साथ कुक हो रहे हैं, इधर मैं ये मूंगफली के दाने पीस लेती हूँ। ये 1/2 कप से थोड़े से ज़्यादा मूंगफली के दाने हैं, तो इन्हें हम डालते हैं जार में। ये दाने हमने माइक्रोवेव में भूनकर और छील कर ले लिए हैं। आप इन्हें कढ़ाई में भी धीमी आग पर भून सकते हैं और छील कर ले लें, या फिर बाजार से भुने हुए मूंगफली के दाने ला सकते हैं। इन्हें बारीक पीस लेते हैं। तो ये बन गया मूंगफली के दानों का पाउडर, बिल्कुल हल्का दरदरा रखा है हमने। हमने मूंगफली के दानों का पाउडर बना लिया है, इसकी जगह बादाम का पाउडर भी बना सकते हैं। चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, अब मिलाएंगे इसमें ये मूंगफली दाने का पाउडर। मिक्स कर लेते हैं और ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डेसिकेटेड नारियल है, 100 ग्राम है ये भी, इसे भी डाल देते हैं और इन्हें अच्छे तरीके से मिलाते हैं। इन दोनों चीज़ों से जो एप्पल की बर्फी का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं। अब इसे बर्फी के जमने वाली कंसिस्टेंसी तक कुक करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक लग रही है। अब इसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स और ये 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची। हमने 12 इलायची को छील कर कूट लिया है, मिला देते हैं। हमने इसे मूंगफली दाने का पाउडर डाला है, डेसिकेटेड कोकोनट डाला है जिन्होंने एप्पल के जूस को एब्जॉर्ब कर लिया और हमारा ये मिक्स बहुत ही जल्दी थिक हो गया। ये देखिए, आ गया जमने वाली कंसिस्टेंसी पर। जब हम पलट रहे हैं ना, तो आप इसका कलर देखेंगे, नीचे से एकदम वाइट होके निकलता है, तो उसी से हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा जमने वाली कंसिस्टेंसी का मिक्सचर बन गया। और वैसे भी हमें अच्छा थिक दिख रहा है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ही जल्दी ये बर्फी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये मिक्सचर हो गया तैयार, फ्लेम बंद कर देते हैं। ये ट्रे हमने ग्रीस करके ले ली है, तो ये मिक्सचर हम इस ट्रे में डाल देते हैं और इसे इस तरीके से प्रेस कर देते हैं। इस बर्फी में हम हल्की सी थिकनेस रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतली इसे नहीं जमाएंगे। ये मैंने 1 चम्मच ले लिया घी लगी हुई, इससे मैं इसको थोड़ा प्लेन कर दे रही हूँ। गार्निशिंग के लिए थोड़े से बादाम फ्लेक्स इसके ऊपर डाल देंगे
और अब इसे चम्मच से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि बादाम इसके अंदर फिक्स हो जाए। अब इसे जमने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, किसी भी ठंडी जगह पर रख दें और थोड़ी ठंडी होने के बाद आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बर्फ़ी को हमने 2 घंटे रखकर ले लिया है, ये अच्छे तरीके से जम चुकी है, तो इसे हम 10-12 सेकंड के लिए थोड़ा सा नीचे से गर्म कर ले तो पीसेज आसानी से निकल आएंगे। बर्फ़ी को आप अपने मनपसंद साइज़ के टुकड़ों में काट सकते हैं। पीसेज अलग कर लेते हैं। बर्फ़ी को हमने काट कर तैयार कर लिया। एप्पल की बर्फ़ी बनकर तैयार है और कितनी अच्छी लग रही है देखने में, इससे ज़्यादा ये टेस्टी है और बहुत ही सॉफ्ट है। और बनाने में तो आपने देखा, इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुक करते समय आपको ध्यान रखना है इसके पूरी कुकिंग में फ्लेम को लो मीडियम रखना है और मिक्सर को बर्फ़ी के जमने वाली कंसिस्टेंसी तक कुक कर लेना है। आप बहुत अच्छी एप्पल बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। इस बर्फ़ी को आप व्रत में तो बनाएंगे ही, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है और जल्दी बन जाती है, आप इसे किसी भी त्यौहार पर बना सकते हैं या फिर जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।